बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर पीलीभीत से है। यहाँ पर एक दिन के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्माणाधीन कॉलेज का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी तक इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की और विकास कार्यों की समीक्षा भी उन्होंने वहां पर की। साथ साथ ब्रजेश पाठक ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर सभी सीटें जीतने का दावा किया। कॉलेज पीलीभीत को शीघ्र से शीघ्र बनाए जाने हैं तो स्थलीय निरीक्षण किया है। इनका ये कहना है कि हम जून तक दे पाएंगे, जून 23 तक। हमारा अनुरोध है किसी भी स्थिति में फरवरी मार्च तक हैंडओवर करें जिससे अगला बैच हम शीघ्र ले पाएँ और मान्यता के लिए टीम यहाँ दिल्ली से आ जाए। तो डीएम साहब हमारे साथ में हैं, ये उसका जो बिंदुवार है उसका अलग से एक आकलन करके और हमारे सामने कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे आगे की कि जिससे काम समय सीमा में हो जाए। अब खबर बरेली से है। हाजियापुर स्थित निर्माणाधीन यूनानी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य अधिकारियों को बड़ा आदेश दिया। उन्होंने आज से ही यहां पर 300 बेड्स का हॉस्पिटल शुरू करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बरेली से खबर। डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया। बरेली जनपद मुख्यालय पर पार्टी के जिला कार्यालय में सभी भारतीय अधिकारी, महानगर अध्यक्ष जी, सभी जिले के पदाधिकारी, महानगर के पदाधिकारी हमारे, उसके लिए अकॉर्डिंगली उसके हमने ऑलरेडी पिछले महीने जुलाई माह में हमने शासन से कम ओपीडी की व्यवस्था यहाँ हो जाए, शुरू हो जाए, इसके लिए हमने स्टाफ की मांग की है। अब शासन से हमें निर्देश आ चुके, स्वास्थ्य मंत्री जी आ गए, उन्होंने निर्देश दे भी दिया है, तो हम कोशिश। पर पीलीभीत से है। यहाँ पर एक आशिक को बुरी तरह से मारा पीटा गया, उसका सिर मुड़वा दिया गया और फिर युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाते हुए गिरफ्तार करवा दिया गया। दरअसल शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र का रहने वाला आसिफ पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के नौगवा अंबर गाँव में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। उसको बंधक बनाकर बुरी तरह से मारा पीटा गया। हालांकि इस मामले में गिरफ्तार युवक ने भी एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने महिला पक्ष के चार लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। भाई ने अपनी बहन से कॉल करवाई, भाई ने अपने मोबाइल से। क्या नाम है? गुलशन राजू अनिशिया। इन तीनों ने मुझे बुलाया फंसा के कि आजा मैं तुझे मारूंगा नहीं, तू आज सिर्फ मुझे लेके जा। उसके बाद मैं आया, इन लोगों ने पकड़ा, पहले मारा फिर बंद कर दिया। बंद करने के बाद सुबह उठाया, मेरा टकला गला कराया, एक मूंछ छुड़वा दी, आधी काट दी, आधे जहाँ बाल छुड़वा दिए थे। सब ये करने के बाद अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम ये लगा दिया है कि लड़की के कपड़े उतारते हम लोग ने पकड़ा तभी मारा बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से का उद्घाटन करेंगे और इसी प्रोजेक्ट के तहत राजपथ जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है उसका भी प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। आपको बताएं कि अंग्रेजों के जमाने में इसका नाम किंग्सवे रखा गया था, आजादी के बाद इसका नाम राजपथ रखा गया और अब इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद रात 8:45 से रात 9 बजे तक 15 मिनट के लिए एक स्पेशल ड्रोन शो वहां पर आयोजित होगा। देखिए आप, ये सेंट्रल विस्टा का एक हिस्सा है, लगभग 3 किलोमीटर का ये फासला इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का। अब इसका नाम राजपथ नहीं कर्तव्य पथ है और जो दोनों तरफ नहरें हैं, आपने अगर कभी भ्रमण किया हो वहां पर तो आपने देखा होगा, उसका सुधार किया गया है। ये देखिए आप, ये बर्ड्स आई व्यू और अब ये राजपथ नहीं कर्तव्य पथ है। काफी चीजें इसमें बदली हैं। रेड ग्रेनाइट से बना फुटपाथ है, चारों ओर हरियाली है, बोटिंग की व्यवस्था की गई है, 6 वेंडिंग जोन्स लगाए गए हैं दुकानदारों को अपनी दुकानें लगाने के लिए, 4 पैदल यात्री अंडरपास बनाए गए हैं, 6 नए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, 390,000 वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है, 90 एकड़ में नहर बनाई गई है, 16 स्थायी पुल इन नहरों पर बनाए गए हैं और रेड ग्रेनाइट से फुटपाथ बनाया गया है, चारों ओर हरियाली रखी गई है। ये कर्तव्य पथ जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और 15 मिनट का यहाँ पर ड्रोन शो भी होगा। 8:45 रात को शुरू होगा और 9 बजे तक चलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा के पहले भाग का उद्घाटन करेंगे। शाम 7 बजे ये उद्घाटन का कार्यक्रम होना है। लेकिन अगर बात करें तो सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ साथ प्रधानमंत्री आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, जो इंडिया गेट के ठीक पीछे लगी है। इस वक्त की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा का अनावरण होना है उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रतिमा देखिए किस तरीके से लग चुकी है। ये इंडिया गेट के ठीक पीछे प्रतिमा लगाई गई है। इसे हालांकि अभी पर्दे से ढककर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे इसका उद्घाटन करेंगे, प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और इस प्रतिमा के अनावरण के बाद अगर बात की तो इंडिया गेट के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा नजर आएगी। जाहिर तौर से बात है कि आज सेंट्रल विस्टा के पहले भाग का काम पूरा हो गया, यानी कि इंडिया गेट के आसपास का जितना भी इलाका है उसका सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण आज प्रधानमंत्री करेंगे। और सबसे प्रमुख बात, राजपथ का नाम बदल के जो कर्तव्य पथ किया गया है इसका भी आज से औपचारिक तौर पर कर्तव्य पथ नाम हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे एक भव्य कार्यक्रम के जरिए इन तमाम सारी चीजों का उद्घाटन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली दफा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो इंडिया गेट के पास लगाई गई है और इसका अनावरण आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। कमिश्नर विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भाजपा का हमला लगातार जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उन पर तीखा हमला बोला है। निकाय चुनाव को लेकर बरेली दौरे पर पहुंचे ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा गुंडे माफिया मवाली और असामाजिक तत्वों की पार्टी है। सपा मुखिया जेल में बंद कुख्यात शराब माफिया से मिलते हैं, उन्होंने अपने चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया है और इसीलिए यूपी की जनता ने उन्हें नकार दिया है। गुंडे माफिया मवाली असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करना, उनको पुष्पित पल्लवित करना, उनके सहारे सत्ता संचालित करना, ये समाजवादी पार्टी का सगल रहा। उन्होंने चरित्र में बदलाव नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया आजमगढ़ जेल में जाकर एक दुर्दांत शराब के कुख्यात माफिया से मिले हैं और उन पर और भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसका मतलब ये कि समाजवादी पार्टी ने अपने चरित्र में परिवर्तन नहीं किया है, वो माफियाओं की पोषक है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। बच्चा चोर की बेरहमी से पिटाई की है पब्लिक ने। कोतवाली चौक की अखबारी गेट ढलान पाटानाला चौराहे का सारा मामला है। सुबह लगभग 7 बजे बच्चा चोर को खंभे में बांध कर घंटों पीटती रही पब्लिक। जी, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस बच्चा चोर को पकड़ के थाने लेकर आई और आगे की और कार्रवाई में जुटी। ये देखिए आप, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे। सुबह 7 बजे की घटना और बुरी तरह से पीटा खंभे से बांध कर इस बच्चा चोर को। बच्चा चोरी का आरोप था इस व्यक्ति पर, जिसको भीड़ ने बुरी तरह से धुन डाला, खंभे से बांध कर लगा। कोतवाली चौक की अखबारी गेट ढलान पटाना का मामला। अपडेट गोरखपुर से। 6 साल की बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया है गोरखपुर में। टॉफी देने के बहाने बच्ची को ले जाने की कोशिश की गई। बच्ची के परिजन और ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ लिया है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में टॉफी देकर फुसला कर ले जाने की कोशिश की गई इस बच्ची को, और 6 साल की बच्ची है, इसके अपहरण का प्रयास किया गया। बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जो स्कूल पढ़ने जा रही थी उसे कूड़ा गिनने वालों ने टॉफी देने के बहाने बुला करके वो बच्चा चोरी करने का प्रयास किया। बच्चे के रोने पर उसके परिजन और गांव वालों ने इस काम में शामिल 3 लोगों को पकड़ लिया और उनके साथ उन्होंने आकर के तहरीर दी, जिसके आधार पर थाना बेली पार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बच्ची सकुशल है। खबर मुरादाबाद से है। वहां पर फर्जी फैमिली नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। दरअसल मुंडा पांडे थाना इलाके के मनकरा मोड़ पर बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी तरीके से चल रहे फैमिली नर्सिंग होम के नाम से शिकायत क्षेत्रवासियों ने की थी। इसका संज्ञान स्वास्थ्य विभाग मुरादाबाद ने लिया और आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ मनकरा मोड़ के सामने चल रहे अवैध नर्सिंग होम फैमिली पर छापा मारा। वहां पर मौजूद झोला छाप डॉक्टर नर्सिंग होम में ताला लगाकर भागने में कामयाब हो गए। डीआरएस पर प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। तत्क्रम में टीम द्वारा दोनों अस्पताल अपंजीकृत पाए जाने पर नियमानुसार
उनके सील कर कार्रवाई की गई है एवं प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह औचक निरीक्षण करने सिंचाई विभाग के ऑफिस पहुंच गए। खबर लखनऊ से। कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल है उनके इस औचक निरीक्षण की वजह से। 75% कर्मचारी कार्यालय पहुंचे ही नहीं थे। सभी कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर को चेक किया गया और मंत्री ने सभी गेट्स को बंद भी करवा दिया। औचक निरीक्षण ही नहीं किया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि इस बीच में कोई बाहर से अंदर ना आए। उसके बाद अटेंडेंस चेक की गई। अनुभव शुक्ला हमारे साथ है, हमारे संवाददाता, और विस्तार से हमें बताएंगे इस औचक निरीक्षण के बारे में। अनुभव, क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सुबह सुबह या जो सिंचाई विभाग का कार्यालय है जहाँ पर विभाग का अध्यक्ष बैठते हैं वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर वो जो समय है जब कर्मचारियों का आने का उससे पहले पहुँच गए और जो रजिस्टर होता है जहाँ पर कर्मचारी सिग्नेचर करते हैं, हालांकि ज्यादा जगहों पर तो अगर हम कहें तो बायोमेट्रिक है, लेकिन बहुत सी जगहों पर जहाँ अटेंडेंस रजिस्टर में लगता है वो सारे रजिस्टर मंगा लिए अपने पास जी। और सारी गेट बंद करा दिए क्योंकि कोई देरी से आने ना पाए। उसके बाद उन्होंने देखा, जब छानबीन की तो पता चला कि जिनको आना चाहिए 75% कर्मचारी तो समय पर दफ्तर पहुंचे नहीं है। काफी नाराजगी उन्होंने जताई है जो विभागाध्यक्ष है एनसी है उनसे और ये भी कहा है कि आगे हिदायत दीजिए, साथ ही साथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए जो लगातार लेट आते हैं, तो क्योंकि जो समय के पाबंद नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। लेकिन जिस तरीके से आज जल शक्ति मंत्री ने वहाँ छापा मारा उससे वाकई जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी उनमें एक वक्त अफरा तफरी का माहौल सुबह फैल गया था जी। स्वाभाविक है अनुभव, 75% कर्मचारी अगर नहीं थे तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और जल शक्ति मंत्री का ऐसा निर्देश देना भी बहुत स्वाभाविक है, ये बनता है इन हालात में। हमारे साथ बने रहिए अनुभव। उत्तर प्रदेश में तय समय पर ही नगर निकाय के चुनाव होंगे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 540 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे एक साथ। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में तारीखों का ऐलान यानी इसकी घोषणा होगी और उसके बाद नवंबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। अनुभव, आपके पास क्या सूचना है? प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं जो इसी साल के अंत में होने हैं, यानी नवंबर दिसंबर में कार्यकाल सब जगहों पर खत्म हो रहा है और सरकार की तैयारी ये है कि इस चुनाव को तय वक्त पर ही कराया जाए। हमारे जो सोर्सेस हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में ये चुनाव कराए जा सकते हैं, यानी सब तारीखों का अगर हम कहें तो ऐलान तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हो सकता है और चुनाव होने शुरू हो जाएंगे नवंबर के दूसरे हफ्ते से और जो तय वक्त है तय समय है उसी तय समय पर ये चुनाव कराया जाएगा, यानी जब कार्यकाल खत्म हो रहा है। बहुत सारे जो नगर निगम है नगर पालिकाएं हैं उनका कार्यकाल जो है वो दिसंबर में खत्म हो रहा है तो उसी तय समय पर ये चुनाव कराने की तैयारी है। हाल ही में आपने देखा भी है राजेंद्र जी किस तरीके से दोनों जो कैबिनेट हुई उसमें खासतौर से नगर विकास विभाग के प्रस्ताव भी थे, कुछ नगर पंचायतें नई बनी है, कुछ का सीमा विस्तार हुआ है और अभी भी कुछ ऐसी फाइलें हैं जो इन पर विचार होना है, यानी आने वाली कैबिनेट में ये हमें और देखने को मिल सकता है। लेकिन राज्य सरकार हो राज्य निर्वाचन आयोग हो क्योंकि उस इलेक्शन को कराने की जिम्मेदारी उसी की है, इसको लेकर प्रतिबद्ध है कि ये चुनाव तय वक्त पर ही होंगे और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आचार संहिता भी लग सकती है जी। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। मॉर्निंग वॉक के लिए गए लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचल डाला है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। वाराणसी हाईवे पर जंगीपुर थाना इलाके के बेलवा गांव के पास यह हादसा पेश आया है। इस हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर, दुखद खबर। गाजीपुर से मॉर्निंग वॉक के लिए गए लोगों को कार ने कुचल डाला और टक्कर मारने के बाद कार सवार भाग गए। तेज रफ्तार कार का कहर बरपा मॉर्निंग वॉक के लिए गए लोगों पर। जंगीपुर थाना इलाके के पास यह हादसा हुआ। कार सवार मौके से फरार हो गया। इसके बाद से टक्कर मारने के बाद से अपने साइड से जो है कि पटरी पर टहलते हुए जा रहे थे लोग, अब पीछे से जो है कि ये वैगनार गाड़ी जो ड्रिंक वगैरह किए थे लोग उनके गाड़ी में बोतल वगैरह पाया गया, ये जो है कि पीछे से ही जा करके मार दिए धक्का, उसमें 3 लोगों को डायरेक्ट मार दिए, 3 लोग उसके चपेट में आ गए और बाकी 3 लोग हट गए, 3 लोग बच गए, 3 लोग के मौके पे जो है कि मृत्यु हो गई। एक्सीडेंटल केस सुबह आया था जिसमें 3 डेड बॉडी बीडी आई थी, यहाँ पे ब्रॉड डेड आए थे। अच्छे लाल यादव,
सन ऑफ स्वर्गीय विक्रम यादव 45 ईयर्स मिठापारा जंगीपुर तीनों पेशेंट हैं। विनोद यादव सन ऑफ विक्रमा यादव 40 ईयर्स और दिवाकर यादव सन ऑफ अक्षयवर यादव 36 एज है। तीनों को जो है यहाँ पे मॉर्चरी में रखवा दिया गया है, बाकी आगे के लिए पोस्टमार्टम होता है। बड़ी खबर चंपावत से है। आईटीबीपी जवानों की बस दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आ रही है और इस हादसे में 10 जवानों के घायल होने की भी खबर है। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा पेश आया है। बनबसा आईटीबीपी कैंप से पिथौरागढ़ आईटीबीपी कैंप जा रहे थे ये जवान जब यह हादसा हुआ, तो आईटीबीपी जवानों की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है चंपावत में। 10 जवान घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए दुर्घटनाग्रस्त बस की, टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। बनबसा आईटीबीपी कैंप से पिथौरागढ़ आईटीबीपी कैंप जा रही थी बस, देखिए आप यही बस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, आईटीबीपी जवानों को लेकर जा रही थी। एक बच्चा चोरी के आरोपी की पिटाई की खबर जौनपुर से भी है। बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने इस युवक को पकड़कर पीटा है। नगर कोतवाली के उर्दू बाजार में ये बच्चा चोरी का आरोपी पकड़ा गया। लोगों ने पिटाई के बाद इस आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी को लेकर थाने पहुंची है। दक्षिण भारत का ये आरोपी बताया जा रहा है। आरोप इस पर बच्चा चोरी का, ये देखिए आप बुरे तरीके से इस व्यक्ति को पीटा गया। नगर कोतवाली के इलाके में पिटाई के बाद बच्चा चोर को पुलिस को सौंपा गया है। दक्षिण भारत का ये व्यक्ति बताया जा रहा है। आरोप इस पर बच्चा चोरी का, मामला ये जौनपुर का। पिटाई के बाद भीड़ ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। नगर कोतवाली के उर्दू बाजार की घटना है। अगली बड़ी खबर आगरा से है। यहाँ पर पुलिस खनन माफियाओं की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। खनन माफियाओं के खिलाफ आगरा पुलिस ने मुकदमों की सेंचुरी लगा दी। जी, 3 हफ्तों के भीतर खनन माफियाओं के खिलाफ 105 मुकदमे दर्ज किए गए। खनन के बाद अवैध परिवहन से लेकर भंडारण करने वालों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। सैया टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़ने वाले प्रकरण के बाद लगातार धरपकड़ चल रही है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के नेतृत्व में खनन माफियाओं के सिंडिकेट को ध्वस्त करने में जुटे एसपी ग्रामीण पश्चिमी सत्यजीत गुप्ता, सेंचुरी लगा दी। 105 केसेस दर्ज खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस के द्वारा। 3 हफ्तों के भीतर भीतर सेंचुरी मार दी पुलिस ने केसेस की। 105 केसेस दर्ज किए खनन माफियाओं के खिलाफ। तो यह बड़ा एक्शन पुलिस का खनन माफियाओं के विरुद्ध। इधर ग्रेटर नोएडा में जेवर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश दिलीप को गोली लगी है। जेवर पुलिस ने मोटरसाइकिल से अवैध तमंचे के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया। 6 दिन पहले ही इस बदमाश ने हिस्ट्री शीटर नागेश के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की यह मुठभेड़ उस वक्त हुई पुलिस से जब चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया और आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग की। पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी और इसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। जब उसको रोकने का प्रयास किया तो वो अंडरपास को यूज करते हुए वो गाड़ी बहुत तेजी से भागी। पुलिस पार्टी द्वारा उसका पीछा किया गया तो आगे उसकी गाड़ी स्लिप होकर के गिर गई। उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा गोली चलाई गई जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसकी आपराधिक इतिहास भी है। इसके आपराधिक इतिहास की अन्य जनपद से हम जानकारी कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।